आपको मालूम है ये मोदी जी की गारंटी है, ये गारंटी कोई कांग्रेस की गारंटी नहीं है। तो कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार आई, इतनी सारी गारंटी दी, एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाए। और अभी तो उनकी हालत ऐसी है, एमएलएस को भी पैसा नहीं देते, डेवलपमेंट का भी पैसा नहीं देते, और उनको पूछा क्यों नहीं देते तो कहते हैं गारंटी पूरी करनी है। जब गारंटी पूरी करने की बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी गारंटी दे दी है, कैसी पूरी करेंगे, हम इसको पूरा नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। तो लोगों को मूर्ख बनाकर सिद्धरमैया जी की सरकार यहां पर आई, ये सिद्धरमैया की गारंटी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। और नरेंद्र मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की गारंटी, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। आज हम लोग देखते हैं कांग्रेस की सरकार आने के बाद वादा खिलाफी तो हुई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका एक भी प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर पाए। पर एक बार हम लोग इसके लिए भी उनको माफ कर देते कि उन्होंने प्रॉमिस पूरा नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार से देश विरोधी ताकतों को, एंटी इंडियन ताकतों को जिस प्रकार से सिद्धरमैया जी की सरकार मजबूती दे रही है, पीएफआई पर बैन लगा, देश के खिलाफ पाकिस्तान को मदद करने वाले लोग बैन लगकर उनको जेल में डाला, सिद्धरमैया की सरकार आई, सबको छोड़ दिया, कहा चलो आप अपना काम करो, जोरों से पाकिस्तान को मदद करो, जोरों से देश को बर्बाद करो। ये कौन सी सरकार है, कौन सी नीति है, कौन सी नियत है? इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोग वोट के लिए इतने लालची हो गए, वोट के लिए इतने इस प्रकार से उनका काम चल रहा है, लाचार हुए है कि वो देश का भी विचार नहीं कर रहे। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट नेशन, ये देश का भी विचार नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं जिस प्रकार के हालात है, उन हालातों में आज कर्नाटक में सरकार के बदलने के बाद देश विरोधी ताकतों को जिस प्रकार से ताकत मिल रही है, और बम विस्फोट होता है तो मानने को तैयार नहीं, कहते हैं प्रेशर कुकर का कुछ हो गया है। और ऐसे सभी लोगों को बचाने का प्रयास, उनको सेव करने का प्रयास ये सरकार कर रही है।